वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ द स्कूल। इट्स योर मैथ्स क्लास क्लास 8। सो प्रीवियस क्लास में हमने 6.1 कंप्लीट की थी और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। आई होप यू हैव डन। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। बट बिफोर डूइंग द क्वेश्चन लेट्स सी व्हाट इज फैक्टराइजेशन एंड इन व्हाट वेज वी कैन फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन। सो लेट्स सी द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन then these two or more expressions are called the factors of the given expression, right? Means अगर आपके पास जो है वो कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप उस एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? जो आपने एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में लिखा है वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी? फैक्टराइजेशन कहलाएगी, राइट? ये आप पहले पढ़ चुके हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास है एक्सप्रेशन है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x2 + 6x, ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं किस तरह कि इफ़ यू टेक 3x एज कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स देन वी हैव 3x + 1 + 2 यहाँ से 3x कॉमन लिया है तो यहाँ पर x बचेगा, ठीक है, प्लस 2। सो अब आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को, इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है। तो अब ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं ये क्या हैं? इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स हैं, राइट, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ केसेस देखते हैं कि आप जो है वो किस किन किन वेज में जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, सबसे पहले आप जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन देखते हैं जिसका जो इस किस्म का एक्सप्रेशन हो, यानी के अगर कोई नंबर है, ठीक है, के डिनोट्स ए नंबर यानी रियल नंबर, राइट। सो के ए प्लस के बी प्लस के सी, ठीक है, यानी जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, उनमें जो है वो एक नंबर ऐसा है जो कि कॉमन है। सो आप क्या करेंगे, उसको कॉमन को बाहर निकालेंगे, ठीक है, के टाइम्स, अब यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। सो अब ये आपके एक्सप्रेशन होगा, यू नो कि जो कॉन्स्टेंट नंबर है वो भी तो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये जो है वो एक दूसरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट मीन्स आपने इस अल्जेब्रिक फॉर्म को, ठीक है, जो क्या था, फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, इस टाइप के एक्सप्रेशन को आपने क्या किया कि अगर तीनों में जो है वो कोई नंबर जो है वो कॉमन था तो वो आपने कॉमन निकाला, ठीक है। अभी आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर है के और दूसरा फैक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अगर इस तरह का आपके पास एक्सप्रेशन होगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है, ठीक है। कॉमन फाइंड करके आप इस तरह से फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। सेकेंड है, अब देखिए सेकेंड क्या है, फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इनको पेयर्स के फॉर्म में देखें, ठीक है, यहाँ से आपने दो, ये दो को पेयर बनाया, ठीक है, और यहाँ से आपने दो का पेयर बनाया, तो आप देख सकते हैं कि इन दो में से दो जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें फोर टर्म्स हैं, तो आपने दो टर्म्स अलग किए और दो टर्म्स अलग किए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है, आपने ए कॉमन लिया इन दो टर्म्स में से, क्या बचा आपके पास, अच्छा हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से ए कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, सी प्लस डी, ठीक है, प्लस, अब आपने इन दो में से क्या कॉमन लिया, ये साइन वही रहेगी, ठीक है, आपने यहाँ पर प्लस लगाया और अब यहाँ इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, आपने बी कॉमन लिया तो क्या बचा, सी प्लस डी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास एक टर्म बनी है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरी टर्म है, ठीक है, याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन में आपके पास फोर टर्म्स थी। टर्म्स कब बनती हैं, जब जो है वो एक्सप्रेशंस के यानी उनके दरमियान प्लस या माइनस की साइन हो, ठीक है, ये फोर टर्म्स थी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दो टर्म्स में भी तो कोई ना कोई कॉमन है, क्या कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट सी प्लस डी कॉमन है दोनों टर्म्स में, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, सी प्लस डी अगर आपने यहाँ से कॉमन लिया दोनों में से तो आपके पास क्या बचा, इसमें से जो इस टर्म में से ए बचेगा और इस टर्म में से बी बाकी बचेगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास अगर इस तरह से फोर टर्म्स हैं तो आप सब फर्स्ट तो आपने ये देखा कि अगर तीन टर्म्स हैं तो आपने इसमें से एक नंबर आपने देखा कॉमन है या नहीं, क्योंकि इसमें हम पेयर्स तो नहीं बना सकते, ठीक है। अब दूसरा जो केस है वो क्या है कि अगर आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन है कि उसमें फोर टर्म्स हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या दो दो में से कोई ऐसा कॉमन निकल सकता है, ठीक है। अगर इस टाइप का जो है वो दो टर्म्स में से कॉमन निकल रहा है, फिर इन दो टर्म्स में से कॉमन निकल रहा है, फिर उसके बाद ब्रैकेट सेम आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट सेम आ रहा है तो फिर आप अगेन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, वो ब्रैकेट कॉमन लेंगे और इस तरह से ये इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा केस है। अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है, फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए
ये तो आपको पता है कि वेल नोन फॉर्मूला है परफेक्ट स्क्वायर का, है ना, कि ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक दफ़ा प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस भी लेंगे, तो दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस या माइनस टू ए बी इज प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है। अब ये जो है वो किस तरह से इस एक्सप्रेशन की, यानी अगर आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप उसके फैक्टर्स किस तरह से कर सकते हैं, या अगर यहाँ पर प्लस होगा तो वो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन किस तरह से है कि आपको पता है कि भाई अगर टू पर स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ कि टू पर स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब होता है, टू इंटू टू, है ना। तो इसी तरह टू की जगह या अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिख दिया जाए उस पर स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो दो दफ़ा है, ठीक है, ए प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस माइनस बी, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि इनके दरमियान जो है वो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या है, दो ये जो है वो दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये शो कर रहे हैं कि ये जो है वो इन दोनों के फैक्टर हैं। इसका मतलब आपके पास जब भी ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा दो तीन टर्म्स होंगी और किस तरह से वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप उसको फैक्टर्स किस तरह से कर सकते हैं, ए प्लस ए प्लस या माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये इसके एक पर है, ठीक है। ये थर्ड केस था आपका। अब फोर्थ केस क्या है, ठीक है, अब देखिए फोर्थ केस क्या है कि फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू नो कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यू नो दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो इस तरह से एक्सप्रेशन हो कि दो टर्म्स हों और उसमें क्या हो कि दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस हो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें से आप एक को ए कह सकते हैं दूसरे को बी कह सकते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसके फैक्टर्स इस तरह से करेंगे, राइट। आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि फिफ्थ केस क्या है, फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए ए स्क्वायर प्लस और माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन कितने टर्म्स में है, फोर टर्म्स में है, ठीक है, जो कि इस तरह से बन रही है कि एक तो तीन टर्म्स का तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और जो फोर्थ टर्म है वो माइनस के साथ है और उसका स्क्वायर है, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर्स किस तरह से करेंगे, तो ज़रा सा आप कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए कि ये जो है वो अगर इसको इन तीन टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इन तीन टर्म्स को तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अब गौर से देखिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, बीच में माइनस है, और ये जो दूसरी टर्म है इसका भी स्क्वायर है। सो हम अगर इसको ए प्लस माइनस बी को ए कहते हैं, ठीक है, और सी को हम बी कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, है ना। और यू नो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, यू कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपका जो ए है वो क्या है, ए प्लस और माइनस बी, ठीक है, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर प्लस भी हो सकता है यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, दोनों केसेस को एक साथ लिख दिया, ठीक है, कभी भी आप एक साइन इस तरह से कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखते, बल्कि क्या अभी सिर्फ हम केसेस कर रहे हैं कि हम चाहते तो इनको दो केसेस में कर सकते थे कि एक दफ़ा हम प्लस लिखते फिर सिक्स केस बनाते हैं उसमें माइनस लिखते हैं, ठीक है, इसको समझाने के लिए दो दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब आपका ए क्या है, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स कि आपका ए है ए प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप क्या लिखेंगे, पहले ए प्लस बी को देखते हैं, तो ए प्लस बी, ए क्या है, ए प्लस माइनस बी, ठीक है, और प्लस बी, आपका बी क्या है, सी है, आपने क्या लिखा, प्लस सी, ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो ये आपका एक फैक्टर हो गया क्या, ए ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरा फैक्टर आपका क्या होगा, ए माइनस बी, एंड व्हाट इज ए, ए प्लस और माइनस बी और माइनस बी, ठीक है, बी क्या है आपके पास, माइनस बी क्या है आपके पास, सी के एक, ठीक है। तो अब आपके फैक्टर्स किस तरह से आएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे, ये भी तो फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपका जो फिफ्थ केस है, अगर आपका एक्सप्रेशन इस टाइप का है तो आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तीन टर्म्स को, और बाकी जो एक टर्म है उसको माइनस के साथ, याद रखिएगा अगर यहाँ पर प्लस आ गया तो फिर आप फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते ये वाला, है ना, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। सो यहाँ पर माइनस के साथ जो जो लास्ट टर्म है, फोर्थ टर्म है, उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है, ठीक है,
आपने क्या किया, पहले आपने फॉर्मूला यूज किया यूजिंग ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फिर उसके बाद आपके पास क्या बन गया था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला बन गया था, फिर आपने उसको फैक्टर्स कर दिया, ठीक है। तो ये आपके ये आपका लास्ट केस था फिफ्थ। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 6.2 का फर्स्ट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4x plus 8z। अच्छा अब यहाँ पर देखिए इसको क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए 4x plus 8z, ठीक है। आपके पास दो टर्म्स हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले क्या देखना है आपको, केस वन देखिए। इसमें आपने कहा था कि एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में हो, यानी कोई ना कोई अगर नंबर इसमें कॉमन है, तो सबसे पहले आप नंबर कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने 4 कॉमन लिया, 4 टाइम्स एक्स प्लस जेड हो जाएगा, 4 टाइम्स एक्स प्लस 2z, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है, आपके पास सबसे पहले आपने कॉमन देखना है, ठीक है। 4 जो है वो कॉमन है, यहाँ पर आपने 4 कॉमन लिया, यहाँ इस टर्म में क्या बचा, x प्लस का प्लस, और जो 8 है वो किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, 4 इंटू 2 का। तो आपने यहाँ से 4 तो कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचा, 2z, ठीक है। और ये आपके फैक्टर्स हैं, क्यों, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट है वो भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो 4 एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और x प्लस 2z जो है वो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका ये जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ये आपका सिंपल आंसर है। अब मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें तीन टर्म्स है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, केस वन देखना है, यानी आपको क्या देखना है, कोई ना कोई नंबर कॉमन, ठीक है। अब वो वेरिएबल भी कॉमन हो सकता है, नंबर भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 तो यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 12 जो है वो किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, 6 2 12, 6 2 का। इसी तरह 36 जो है वो 36 कैन बी रिटन एज 6 6, है ना। सो इन तीन टर्म्स में से नंबर जो है वो 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल है आप देखें ए बी सी सब में कॉमन है, ए बी सी, है ना, ए बी सी। तो हम क्या कॉमन लें, 6 ए बी सी अगर हम यहाँ से कॉमन लें, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या बचा, ए, ठीक है, क्योंकि ए बी सी कॉमन आ गया, ए स्क्वायर था तो इसका एक ए जो है वो यहाँ पर बाकी रहा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 था, 6 2 12, ठीक है, 6 कॉमन आ गया, 2 जो है वो यहाँ पर रहा, और ए बी सी, ए बी सी कॉमन आ गया, बी जो है वो स्क्वायर में था तो एक बी यहाँ पर बाकी रहा, ठीक है। माइनस का माइनस, और यहाँ पर क्या था, 6 6 36, तो 1 6 तो चला गया कॉमन, ठीक है, और 1 6 यहाँ पर है, और ए बी सी सी स्क्वायर था तो 1 सी बाकी रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब इसी तरह बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी माइनस ए बी डी प्लस सी एक्स माइनस एक्स डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप देखें तो यहाँ पर चारों टर्म्स में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा है ना। अब दूसरा केस क्या करना है आपको, आपने देखना है पेयर में कॉमन, ठीक है। अब अगर इन दो टर्म्स में अगर आप कॉमन देखें तो क्या कॉमन है, ए भी कॉमन है और बी भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इन दो में से अगर हम क्या कॉमन लेते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी कॉमन लिया, बाकी क्या रहा, इस टर्म में सी, माइनस का माइनस, और यहाँ पर डी कॉमन रहा, ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉमन है, ठीक है। तो एक्स कॉमन लिया आपने, और बाकी क्या रहा, सी माइनस डी, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आपके पास ये है और एक टर्म ये है, और इन दोनों टर्म्स में जो है वो क्या कॉमन है, सी माइनस डी कॉमन है, ठीक है, दोनों में सी माइनस डी कॉमन है। तो टेकिंग सी माइनस डी इज कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, राइट। सो देन वी हैव ए बी प्लस एक्स, ठीक है, एंड दीज आर दी रिक्वायर्ड फैक्टर्स, राइट। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब देखिए इस क्वेश्चन में सब अच्छा फैक्टराइजेशन का उसूल क्या है कि सबसे पहले आपको कॉमन देखना है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 टर्म्स है, ठीक है, अब आप देखें तो इसमें नंबर कॉमन है, ठीक है, 3 ऐसा नंबर है जो कि सब में कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर आप वेरिएबल्स को देखें तो वेरिएबल्स सब में कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो है वो 3 कॉमन है, फिर उसके बाद जो है वो इसके जो बाकी टर्म्स हैं उनको लिखकर फिर अगेन फैक्टराइजेशन करें। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम कॉमन तो ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा कि आप इन दो टर्म्स में से कॉमन लें और इन दो टर्म्स में से कॉमन लें, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 3
ठीक है, इन दो में से सिर्फ थ्री कॉमन आ सकता है, बाकी क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, और ये टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। सिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटू टू, है ना, थ्री इंटू टू सिक्स, यानी आप जब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वापस वही आंसर दें, यानी थ्री को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, और थ्री टू सिक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस। अब इन दो में से क्या कॉमन आ सकता है, आप देखें सिक्स भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, और जेड भी कॉमन आ सकता है, तो सिक्स जेड आप जब आपने कॉमन लिया सो बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये ज़्यादा ईजी है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक टर्म ये है आपके पास और एक टर्म ये है, ठीक है, हम इसको पूरे को एक टर्म कह रहे हैं, ठीक है, इस पूरे को एक टर्म कह रहे हैं, जिनमें से ये दो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सेम है, ठीक है, तो इसको अगेन कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट, क्या कहलाती है साइन, इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, ठीक है, एज अ कॉमन आपने लिखा यहाँ पर, और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है, यहाँ पर थ्री है प्लस, और यहाँ पर क्या है, सिक्स जेड, ठीक है, एंड दीज आर दी रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अच्छा इसको आप मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, कि आप इसको तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, और यहाँ से अगेन थ्री कॉमन आ सकता है ना, थ्री कॉमन लिख लीजिए, यहाँ कॉमन लिख लो इसका, मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, थ्री यहाँ से आप कॉमन लीजिए, थ्री आपने यहाँ पर लिख लिया इसका कॉमन, सो अब यहाँ पर क्या बचा, वन प्लस, और ये क्या होगा, थ्री टू सिक्स जेड, ठीक है, सो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं, मैंने फर्स्ट सिक्स एट एलेवन क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, ठीक है, सारे क्वेश्चन कीजिएगा, इसके 12 क्वेश्चन हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ठीक है, अब इस टाइप के एक्सप्रेशन को आपको फैक्टर्स करने हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो बी पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए, ये हो गया, ठीक है, आपने कॉमन देखा, इसमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, उसके बाद क्या आपने देखा, तीन टर्म्स हैं, पेयर्स नहीं बन सकते, ठीक है। अब क्या था, थर्ड क्या था, फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, ये चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपके जो गिवन जो थ्री टर्म्स हैं उनमें जो है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं वो, तो आप उनको ईजिली फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, सो लेट मी चेक। अच्छा एक मिनट देखें, अब ए स्क्वायर है, अगर आप इसको लिखते हैं ए स्क्वायर, सही सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इसके लिए अब यहाँ पर आप 5 को लिखिए, वो 25 को आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर आप इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं और इसको थर्ड टर्म कहते हैं, ठीक है, इसकी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर में आप इसको फर्स्ट टर्म और आपने थर्ड टर्म लिख ली, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अब सेकेंड टर्म आप इसको भूल जाइए, ठीक है, अब सेकेंड टर्म जो मिडिल टर्म है वो क्या होगी इसकी, अगर आपकी परफेक्ट स्क्वायर की जो है वो कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, टू ए बी, है ना, ए तो ए ही है आपके पास, और यहाँ पर जो बी है वो क्या, वो उसकी जगह क्या है, फाइव, है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फाइव टू द टेन ए, इसका मतलब अगर आपकी मिडिल टर्म जो है वो टेन ए है गिवन क्वेश्चन में, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यू नो कि ये जो है आपका गिवन जो है वो टेन ए है, इसका मतलब ये जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है इसको आप ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो एंड यू नो परफेक्ट स्क्वायर इज यानी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, और साइन कौन सी आती है, हमेशा मिडिल टर्म की साइन, अगर यहाँ माइनस होती है तो आप लिखते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, आपने लिखा फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, प्लस और ये क्या है आपकी आपका बी, ठीक है, बी क्या है, फाइव होल स्क्वायर, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, यू कैन राइट ए प्लस फाइव, ए प्लस फाइव, ठीक है, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर है, ठीक है, समझ आ गया। अब आप कौन सा क्वेश्चन करें, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आपको, वही आपने देखा थ्री टर्म्स हैं, ठीक है, कोई नंबर भी कॉमन नहीं आ रहा, ना ही कोई वेरिएबल कॉमन है, ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन आपको क्या, थर्ड केस क्या था आपका, वही आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, ठीक है, बी जो क्वेश्चन है उसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर ही चेक करना है। सो अब देखिए यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, इसको सबसे पहले आप होल स्क्वायर में लिखिए और इसको आप होल स्क्वायर में लिखिए, सो 16 ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 ए होल स्क्वायर,
ठीक है, जब आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, फोर 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 इंटू फोर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर, अगेन वही आएगा 16 ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको भूल जाइए, प्लस 25 बी स्क्वायर को, 25 बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 बी होल स्क्वायर, राइट। अब इसको भूल जाएँ, ठीक है, इसको भूल जाएँ, और आप देखें कि इसकी जो है वो मिडिल टर्म क्या बनेगी, अगर ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, प्लस या माइनस, ठीक है, ये तो हो सकता है प्लस या माइनस, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। टू ए बी, लेकिन मिडिल टर्म होनी क्या चाहिए, टू ए बी। अब आपका ए क्या है, आपका ए है 4 और ये बी क्या है 5b, ठीक है। ए क्या होना चाहिए 4a और बी क्या होना चाहिए 5b। सो इट मीन्स आपकी मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, अगर आपके क्वेश्चन में जो मिडिल टर्म है वो आपकी इसके प्रोडक्ट के इक्वल है तो आपका जो फैक्टर्स क्या होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर में होंगे। अब देखिए 2 4 8, 8 5 40, 40ab, मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, 40ab होनी चाहिए, 40ab, ठीक है। प्लस के साइन है तो आपने यही साइन यहाँ पर सेम लगा दी, ठीक है, अगर माइनस के तो आप यहाँ माइनस लिख देते। अब क्योंकि ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है सो इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, अच्छा यहाँ पर लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप लिख लिया कीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, बिकॉज के साइन लगा के ये 3 डॉट्स है वो बिकॉज को शो करते हैं, यस सेंस को, ठीक है। अच्छा अब क्या ए ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड वॉट इज़ ए 4a, ठीक है, साइन कौन सी आती है, हमेशा मिडिल टर्म से साइन होते हैं, प्लस और बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 5b, ठीक है, होल स्क्वायर, और यू कैन राइट 4a प्लस 5b इंटू 4a प्लस 5b, ठीक है। आप इसको ना भी लिखें तभी ये शो हो रहा है कि ये दो फैक्टर्स ही हैं, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के क्या फैक्टर्स हुए, 4a प्लस 5b होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करवा देती हूँ। 6 क्या है क्वेश्चन नंबर, 49p स्क्वायर माइनस 14p प्लस 1। अब इसको भी आपने देखना है, कॉमन कुछ है नहीं, कॉमन नहीं निकल सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसके अलावा 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। अब आपने सेकंड नंबर पे क्या चेक करना है, पेयर्स भी नहीं बन सकते, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपने वही चेक करना है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आप इसको कैसे बनाएंगे, 49p स्क्वायर कैन बी रिटन एज 7p होल स्क्वायर, ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे 7 7 49 p स्क्वायर, ठीक है, सेम आ जाएगा, और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो साइन है आपने साइन लगा ली, ठीक है, यहाँ पर जो साइन होगी मिडिल टर्म की आपने वो पहले लगाई, ठीक है, अब इसको भूल जाइए, ठीक है, अब इसको भूल जाइए आप, और अपनी मिडिल टर्म बनाइए, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, अगर ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, 2ab, ए क्या है आपके पास, ये आपका ए है 7p और बी क्या है आपका 1, ठीक है, 7p इंटू 1, मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, 7 7 टू 14p, ठीक है, माइनस 14p होगी अगर तो फिर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि ये इक्वल होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि मिडिल टर्म के साइन जो है वो जो ए प्लस या माइनस बी होती है वो साइन ये वाली होती है, ठीक है। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पर आपके जो टर्म है मिडिल टर्म वो क्या है 14p है, ठीक है, इट मीन्स इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, सो यू कैन राइट ए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, सो इट बिकम्स ए माइनस बी, वॉट इज ए 7p माइनस साइन मिडिल टर्म से लेट उठाएंगे हम, ठीक है, माइनस और बी क्या है आपके पास 1 होल स्क्वायर, इट्स योर रिक्वायर्ड फैक्टर। सो अब आपको ये आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी ए पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपका होमवर्क हैं, ठीक है, और बी पार्ट में जितने भी आप बाकी क्वेश्चन हैं बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दो आपका होमवर्क हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करें।